हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम बात करेंगे पैन वोल सुपरस्टार प्रवास की मैच अवेट फ्रॉम यानी राधे श्याम की थर्ड हिंदी सिंगल यानी उड़ जा परिंदो, जो यहां पे ऑफिशियल तौर पे रिलीज हो चुका। एंड आई एम सॉरी, इसीलिए सॉरी क्योंकि जब इसका टीजर रिलीज हुआ था तब मैंने वीडियो बनाया था एंड वहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो म्यूजिक है, जुबिन का जो आवाज़ है, मिथुन ने जो म्यूजिक दिया है, कंपोजिशन किया है, लिरिक्स, मुझे किस कोई भी चीज़ एकदम अच्छा नहीं लगा। एंड मैंने वहाँ पे ये भी बताया कि टीजर है, हो सकता है मुझे उस टाइम पे नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन जब ये सॉन्ग रिलीज होगा तब वो अच्छा लगेगा। एंड मैं उस टाइम पे ये भी बताया था कि मैं यहाँ पे जज नहीं करूँगा, मैं पूरा सॉन्ग सुनूंगा उसके बाद जज करूँगा कि ये सॉन्ग अच्छा है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आई एम सॉरी फिर से, क्योंकि ये सॉन्ग बहुत ही बढ़िया है। तो आप कहोगे क्या धोखला बनती है, वहाँ पे खराब बोलता है यहाँ पे अच्छा बोलता है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे मुझे सच में अच्छा नहीं लगा था क्योंकि वो टोन नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जब मैंने पूरा सॉन्ग सुना तब मुझे लगा कि हाँ भाई, ये सॉन्ग एक अलग ही लेवल का है। यहाँ पे प्रवास चिल करते हुए नजर आ रहे, यहाँ पे प्रवास डांस करते हुए नजर आ रहे, प्रवास का जिंदा दिल ही हमें देखने को मिल रहा है, प्रवास एक हंसमुख चेहरा हमें देखने को मिल रहा है। मतलब ये सॉन्ग, आप अगर कोई टेंशन में हो, ये सॉन्ग सुनोगे ना आपका टेंशन दूर हो जाएगा, क्योंकि एकदम रिलैक्स माइंडेड, फुल्ली पार्टी इवेंट, एकदम ब्लॉकबस्टर सॉन्ग। मिथुन के म्यूजिक से सॉन्ग का शुरुआत होता है एंड उसके बाद है जुबिन का आवाज़। एंड जब जैसे जैसे सॉन्ग आगे जाता है एंड जैसे जैसे सॉन्ग में वो गाते रहते हैं ना भाई, उनका जो आवाज़, तो देखो रिव्यू करते करते लाइट ऑन करना ही भूल गया, किस कदर का नशा सॉन्ग है आप सोच सकते हो उससे। सच में सॉन्ग बहुत ही बढ़िया है, मिथुन का जो म्यूजिक है इसमें बहुत ही बढ़िया लग रहा था। उस टाइम पे मुझे नहीं लग रहा था उतना बढ़िया, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड उसके साथ जो अपना जुबिन का आवाज़ ना, मैजिकल आवाज़ सुनने को मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। बहुत ज़्यादा मेलोडियस सॉन्ग है एंड इसके अंदर कोई भी वो टेंशन मेंशन कुछ नहीं है। सॉन्ग को सुनो भाई, एकदम फार लेवल एंजॉय। अपना पैन वर्ल्ड सुपरस्टार इस सॉन्ग के अंदर एकदम पूरा चिल करते हुए नजर आ रहे, तो आप लोग भी चिल करो जितने भी डार्लिंग फैंस है। तो ये सॉन्ग मुझे अभी काफी ज्यादा अच्छा लगा, उस टाइम पे नहीं लगा था, लेकिन इस टाइम पे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड वहां पे मैंने कहा था कि मैं जब फुल सॉन्ग सुनूंगा तब मैं जज करूंगा, तो ये फुल सॉन्ग अब जब मैंने सुन लिया तब मैं कह सकता हूँ ये सॉन्ग एक लेवल अप सॉन्ग है। और मैं ये कह सकता हूँ बाकी के जो दो गाने थे वो तो ब्लॉकबस्टर है ही, सभी के जुबा पे तो चल ही रहा है, अभी तक उतरा ही नहीं है, और ये भी गाना जो है सभी के जुबा पे लगने वाला है एंड सभी जो गुनगुनाने वाला है, क्योंकि जुबिन का बहुत ही बढ़िया सिंगिंग यहाँ पे हुआ है। जिसने भी टीजर के अंदर मुझे ये सब कुछ कहते सुना था एंड वो भी अगर इसके अंदर देख रहे हो तो समझ गए होंगे कि भाई मैंने क्यों ऐसा किया था। तो प्लीज़ इस बार भाई डिसलाइक मत करना, इस बार लाइक करके ही जाना एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि मैंने जो ये बताया आप लोगों को क्या लगा, कैसा लगा, क्या आपका कहना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बता सकते हो। आपने अभी तक ये सॉन्ग देखा ही नहीं था, अगर नहीं देखा टी सीरीज पे जाके देख सकते हो, 3 मिनट का ये सॉन्ग है, सुनो, चिल करो, मजा। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, आप लोगों का क्या कहना है मुझे ज़रूर से बता सकते हो। आई होप आपने मुझे समझा होगा एंड डिसलाइक नहीं किया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, मूवीज के लिए हर अपडेट आपको चैनल के अंदर देखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर अल्लू अर्जुन का मुंबई वाला इवेंट देखना है, आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। सो आज का वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।